हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमर सिद्दीकी, और केमिस्ट्री टीचर। और आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कवर करने वाले हैं। सो आईयूपीएसी क्या होता है बेटा? आईयूपीएसी में बता देता हूँ जल्दी से कि इंटरनेशनल सिस्टम है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। ये बेसिकली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, लाइक जैसे कि हमारे एड्रेस और नेम प्लेट में, नेम टैली में लिखा होता है हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर। सिमिलरली अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का बताना है कि बॉन्ड की लोकेशन कहाँ है, कैसा बॉन्ड है, और क्या कौन से इसमें फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं, कौन से सब्सटीट्यूएंट्स लगे हैं, अगर उस केमिकल कंपाउंड के बारे में आपको बताना है तो आपको आईयूपीएसी का सहारा लेना पड़ेगा। सो अब इन चीज़ों से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो इस वीडियो के बाद दूर होने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको बहुत ज़्यादा ही ईजीएस्ट वे बताने वाला हूँ ताकि आपको नोमेनक्लेचर याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े, इसको याद ना करना पड़े, बल्कि ये आपको मेमोराइज खुद ही हो जाए और आप इसको खुद से लिख सको। ओके, सो इसको रटना नहीं, ये आपके बहुत काम आने वाला है। इनफैक्ट आपको यूनिवर्सिटी लेवल में भी ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते, लेक्चर लंबा होने वाला है, स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा और फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। सो प्लीज़ अगर आपको बेसिक आती है तो वीडियो को स्किप कर देना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कार्बन। नाउ कार्बन ही क्यों बेटा? कार्बन की वजह इसलिए कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मस्ट है, कार्बन लाजमी होना चाहिए। सो कार्बन की हमें वैलेंसी मालूम करनी है। हम सबको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट होता है क्योंकि हमने याद किया हुआ है। बेटा कैसे होता है, कैसे पता लगा वैलेंसी का, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये जल्दी जल्दी से रिव्यू लेते हैं। क्या है कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6 होता है। ओके, तो एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 1s2 2s2 2p2। नाउ आउटर मोस्ट शेल क्या बताता है बेटा? ये जो 2 लिखा है ना, 1 और 2 जो कैपिटल में लिखा है, ये बेसिकली शेल्स बता रहे हैं, जबकि s और p ऑर्बिटल्स बता रहे हैं, ये आपको पता है। नाउ अब शेल देखना आपको, आउटर मोस्ट शेल, तो सबसे ज्यादा नंबर वाला जो है ना वो यहाँ पे 2 है, तो दिस इज योर आउटर मोस्ट शेल। नाउ इस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? एस के ऊपर 2 और P के ऊपर 2, दोनों को ऐड कर लो तो कितना आता है हमारे पास वैलेंसी? 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। इट मींस कि हमारी वैलेंसी कितनी है? 4 वैलेंसी, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में। सो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से आएंगे। अब ये बेटा इसके पास कुछ वैकेंसीज हैं, कुछ खाली जगह हैं जिनके थ्रू ये ले सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है बेटा, इसका क्या तरीका है? या तो 4 एटम्स ले ले और चारों एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन ले ले एक एक, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर ये कोई कंपाउंड लगा ले। सो बेसिकली मेरे पास ये 4 वैकेंसीज पूरी करने के लिए सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट क्या है? क्लोरीन। दूसरा है एक कंपाउंड, हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। तो मैंने क्लोरीन लगा दिया पहले में, दूसरी की वैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नाउ जब मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया तो अब मेरे पास 2 वैकेंसीज रह गई। कौन कौन सी बेटा? ये वाली और ये वाली। इसको फिल कैसे करूँ? तो याद रखना कि जब आपके पास कोई एलिमेंट ना हो, जब आपके पास कुछ ना हो, तो इसका बेहतरीन दोस्त कौन है? हाइड्रोजन। कार्बन का बेहतरीन दोस्त हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? हाइड्रोजन इसकी जगह पर आके लग जाएगा क्योंकि इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, कार्बन और हाइड्रोजन की, तो ये हमेशा साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अब लेट से मेरे पास क्लोरीन भी ना होता, OH भी नहीं होता, तो क्या होता बेटा यहाँ पर? हाइड्रोजन होता। तो जो बच जाए वैलेंसी उसको किससे फिल करना है बेटा? हाइड्रोजन से फिल करना है। सो चलिए आईयूपीएसी का सबसे बेसिक चीज़ स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ क्या बेटा? रूट नेम्स। रूट नेम्स हमें पता होने चाहिए, हर बच्चे को पता होता है। याद करने का तरीका क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। सो रूट नेम बेसिकली आपके पास इस तरीके से होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चेन है, ऐसी चेन से मुराद देखो इसमें सिंगल बॉन्ड है और इसके पास कार्बन कितना है बेटा? एक कार्बन है, सिर्फ एक सी नज़र आ रहा है ना, तो ऐसी कोई चेन जिसमें एक कार्बन हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिथ। मैथ बोल सकते हो, मिथ बोल सकते हो, एक कार्बन के लिए क्या होता है? मिथ, ठीक है। अगर एक और कार्बन लगा दूं तो इस चेन में कितने कार्बन होंगे? 2, तो मैं बोलूंगा एथ। 3 कार्बन के लिए मैं बोलूंगा प्रोप, और 4 कार्बन के लिए मैं बोलूंगा ब्यूट, ठीक है। सो पहले वाले के लिए मेथ, दूसरे वाले के लिए एथ, तीसरे वाले के लिए प्रोप, और चौथे वाले के लिए ब्यूट। अब आप कहते हो सर आगे भी पढ़ाएं, बेटा आगे पढ़ाने के लिए एक चीज याद रखना, देखो ये 4 बस तुम्हें बेसिक याद करनी है, बाकी तुम्हें आती हैं। कैसे आती हैं? कि तुमने ज्योमेट्री में कुछ शेप्स पढ़ी थी जो कि पॉलीगॉन की शेप्स थी, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन, हेप्टागॉन, नैनोडॉन, डेकागॉन, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ना हमारे पास,
ये शेप्स से निकली हैं। तो हम पेंटागॉन कब कहते थे कि जब हमारे पास उस शेप में पांच साइड्स होती थी तो हम बोलते थे पेंटागॉन। सो अगर हमारे पास किसी चेन में पांच कार्बन है तो हम बोलेंगे पेंट, उसके साथ कुछ भी लगा दो ना, अब शेप तो नहीं है तो गॉन नहीं लगाएंगे, सो इट इज पेंट। अब आपके पास छह आ जाते हैं कार्बन तो हेक्सागॉन से निकला हेक्स। नाउ अगला देखो हेप्टागॉन, सात साइड वाला, तो यहां पे सात कार्बन होंगे तो हेप। अगला आठ कार्बन वाला ऑक्टागॉन होता था ना, ऑक्टागॉन, ऑक्टाकोर प्रोसेसर होता है, उसी तरीके से ऑक्ट है। और नाइन के लिए नॉन और दस के लिए डेक, उसके बाद आता है एनडेक, डूडेक, वो आपको याद नहीं करना, दस तक याद करना है। सो आप याद कर लो इसको, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या अपने पास लिख लो, लेकिन याद रहे मेरे लेक्चर के दौरान एक कॉपी निकाल लिया करो, बस मैं जो लिख रहा हूँ वही छाप दो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट बना के लिख दो, तुम्हें उसके बाद प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मैं बात दावे से कह सकता हूँ, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं, हमने क्या क्या सीख लिया, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, बाकी पेंटागॉन हेक्सागॉन हेप्टागॉन ऑक्टागॉन उससे याद कर लिया हमने सारी चीज़ें, ठीक है। मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हैग्स हैप ऑक्ट नॉन और डैक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो रूट नेम्स में सबसे अच्छी चीज़ अब जो मैथ एथ के बाद लगना है वो है सफिक्स। तो सफिक्स क्या लगेगा यहाँ पर नाउ, तो सफिक्स पता होने चाहिए। तो बेटा सफिक्स बेसिकली हमारे पास तीन है, पहला क्या है एन, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, और आपके पास अगर डबल बॉन्ड हो तो आप यूज करोगे ईन, और अगर इन केस आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आप यूज करोगे आयन, ठीक है। तो अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन, डबल बॉन्ड हुआ तो ईन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आयन। इसको सही से याद कर लो और लिख लो, बहुत आसान चीज़ है, इसके बाद आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। चलो अब देखता हूँ, मेरे पास एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मैं रूट नेम कौन सा यूज़ करता था, मिथ। तो बेटा मैं मिथ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे बॉन्ड देखो कार्बन के साथ कैसा है, बेटा सिंगल बॉन्ड है ना, तो हम क्या बोलेंगे एन, मीथेन, इस तरीके से मीथेन हो गया। अब मेरे पास दो कार्बन है, तो बेटा अब देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन, दो कार्बन का मतलब एथ, क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब इन केस मेरे पास दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है। अब यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड हो, अगर आपके कार्बन के कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो मैं नहीं मानूंगा, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो मैं नहीं मानूंगा, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड हो तो भी नहीं मानूंगा, अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो मैं मानूंगा, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है जो कहती है कि सफिक्स क्या लगना चाहिए, ईन। तो बेटा डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ईन, सो ये बन गया इथीन, ठीक है। नाउ अब एक और कार्बन लगा तो कितने कार्बन हो गए, तीन, तो हो गया प्रॉप, तीन के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप, क्या डबल बॉन्ड है, यस डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। अब इन केस मेरे पास एक और बॉन्ड आ जाता है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली, तो इसके लिए क्या लगना चाहिए, आइन, तो इट विल बी प्रोपाइन, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, अब चार कार्बन है मेरे पास, चार कार्बन के लिए ब्यूट, तो ब्यूट आ गया और एक बॉन्ड हट गया मेरे पास, तो अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए ये कंडीशन, तो ये क्या हो गया ब्यूटीन। एक और कार्बन आ गया, कितने कार्बन हो गए, पांच कार्बन हो गए, पांच के लिए बेटा पेंटागॉन से याद रखो पेंट होता है, सो पेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, अब डबल बॉन्ड भी है, पेंट यूज कर लिया पांच कार्बन के लिए, डबल बॉन्ड हट गया, सर अब तो सिंगल बॉन्ड है सारे, सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा एन, तो ये क्या बन गया पेंटेन, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको खेल खेल के सीखो, ठीक है, और अगर तुम्हें लंबे लगे तो जाओ जाके मूवी देखकर आ जाओ और फिर देख लेना, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी कि यार इसको पूरी वीडियो ख़त्म करनी है इतनी लंबी, नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस करो बस इसकी। नाउ अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं आईओपीएसी नेमिंग, जिसको आईओपैक नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं हम। ओके नाउ मेरे पास देखो एक कंडीशन है, मेरे पास एक चेन मौजूद है जिसमें कार्बन कितने हैं, चार कार्बन है, अब इसकी वैलेंसी पूरी करनी है, तो इसकी वैलेंसी कैसे पूरी करेंगे, देखो कार्बन की मैंने तुम्हें सिखाया टेट्राहेड्रल होता है, चार वैलेंसीज होती हैं, लेकिन इस कार्बन की देखो एक किसी ने पूरी कर दी, अब इसके पास कितनी रहती है, तीन, ये वाली तीन रहती है ना, तो ये कौन पूरी करेगा, ये मैंने आपको बताया था जब आपके पास कोई ना हो तो कौन होता है इसका बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन दोस्त कौन है, हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, तीन हाइड्रोजन लगेंगे तो इसकी तीन वैलेंसी पूरी होगी, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ तीन हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखो तो इसने एक यहाँ से पूरी कर ली, एक यहाँ से पूरी कर ली, कितने हाइड्रोजन चाहिए, दो चाहिए ताकि दो वैलेंसी पूरी हो जाए, सिमिलरली इसके लिए और लास्ट वाले के लिए तीन लगेंगे क्योंकि यहाँ पर एक वैलेंसी उसने पूरी की है।
ठीक है, ठीक हो गया। अब हमें मुझे बताओ कि इस चेन में, इस पूरी चेन में हमारे पास कार्बन कितने हैं। बेटा कार्बन गिनती करो तो चार हैं कार्बन, चार कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो मैं लिख दूंगा ब्यूट। और क्या सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन, ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ी सी कंडीशन चेंज करता हूँ, मेरे पास आ गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो कार्बन ने कितनी वैलेंसी पूरी कर ली अपनी, दो वैलेंसी पूरी कर ली, तो इसकी दो वैलेंसीज को पूरी कौन करेगा, हाइड्रोजन। मतलब H2 लगा दूँ, H2 लग जाएगा बेटा इधर। इधर देखो तो इसने दो इधर से पूरी करी, एक इधर से, टोटल होती हैं चार, तो चार में से तीन माइनस तो एक बचता है, तो एक हाइड्रोजन लगेगा इधर। सिमिलरली इधर आओ तो इधर दो लगेगा क्योंकि दो पूरी हुई हुई थी ना। अब ये कंडीशन बन गई हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास कितने कार्बन है बेटा, चार कार्बन, तो मैं क्या बोलूँगा, ब्यूट, ब्यूट हो गया। और ये जो चीज़ है ना डबल बॉन्ड, ये क्या शो करता है बेटा, ईन। सो ये बनना चाहिए क्या, ब्यूटीन। नाउ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, ब्यूटीन बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ याद रखना, अगर तुम किसी को जाके डायरेक्ट ब्यूटीन बोल दोगे ना, तो वो तुमसे पहला सवाल क्या करेगा, जैसे कि आप किसी का हाउस नंबर बताते हो तो वो कुछ उसकी डायरेक्शन पूछता है कि किस जगह पे है, उसकी लोकेशन तो बताओ। इसी तरीके से ब्यूटीन जब बोलोगे तो वो समझ जाएगा ईन बोल रहा है, ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो वो बोलेगा, फ़ौरन से सवाल करेगा कि डबल बॉन्ड कहाँ है भाई, कौन सी लोकेशन पे, हाउस नंबर तो बताओ। तो डबल बॉन्ड की लोकेशन बताने के लिए आपको कुछ नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब नंबरिंग सर, ये नंबरिंग क्या होती है बेटा, कार्बन की गिनती, कार्बन की नंबरिंग करोगे। अब बोलो सर कहाँ से करूँ कार्बन की नंबरिंग, यहाँ से करूँ 1 2 3 या वहाँ से करूँ लेफ्ट से करूँ। तो बेटा जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़े, IUPAC का रूल है कि जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़े। देखो डबल बॉन्ड कहाँ से करीब पड़ रहा है, इधर से करीब पड़ रहा है, या डबल बॉन्ड इधर से करीब पड़ रहा है। देखो इधर से करीब पड़ रहा है ना, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा 1 2 3। ओके, कोई ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा लेफ्ट से, जहाँ से करीब पड़े। तो यहाँ से करीब पड़ रहा है, तो अब देखो ब्यूट तो हो गया चार कार्बन वाला। अब डबल बॉन्ड की लोकेशन बतानी है, डबल बॉन्ड की लोकेशन कैसी, देखो डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे लगा हुआ है ना, देखो ये देखो पहले कार्बन पे लगा हुआ है, तो मैं बोलूँगा वन, और डबल बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं ईन, तो ये हो जाएगा वन ईन, ब्यूट वन ईन। अच्छा इसकी एक ख़ास बात ये होती है कि इसको आप लिख सकते हो ब्यूटीन। क्यों लिख सकते हो सर, वन लोकेशन बोला था आपने, बेटा बाय डिफ़ॉल्ट सारे केमिस्ट को पता है कि ब्यूटीन जब भी बच्चा बोलेगा ना, तो उसका मतलब डबल बॉन्ड पहले पे लगा है। इन केस डबल बॉन्ड यहाँ लगा होता तो आप क्या करते, आपको लिखना पड़ता यहाँ ब्यूट टू इन। ओके, सो उसके लिए लिखना पड़ेगा, लेकिन वन के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्यूटीन ही माना जाएगा। ओके, अगर आप ये भी लिखते हो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, कहीं ये देख लो तो समझ जाना पहले पे लगा है बॉन्ड। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास कार्बन कितने हैं गिनती करो। तो बेटा मेरे पास कार्बन टोटल हो गए ये 6 कार्बन। ठीक है, 6 के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्सागोन होता है ना, हेक्स यूज़ करते हैं। नाउ अब देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब मैं इसकी वैलेंसी पूरी करता हूँ बेटा, यहाँ वैलेंसी पूरी करी, इधर देखो कार्बन ने तीन यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, सारे पूरे हो गए। इसके लिए भी ये तीन यहाँ से, तीन एक यहाँ से, सारे पूरे हो गए। इसको देखो तो एक की ज़रूरत है, इसको एक दे देंगे। तो चलिए इस तरीके से मैं वैलेंसीज फिल कर देता हूँ, फिल किया मैंने। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो बेटा जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़े वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ा तो 1 2 3 नहीं। अब रूल समझो, देखो डबल बॉन्ड जो है ना उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा ताकतवर कौन, डबल बॉन्ड। अब जो ट्रिपल बॉन्ड है ना वो डबल बॉन्ड से भी प्रायोरिटी ले जाता है, उससे भी आगे होता है। तो हम किसकी बात माने, डबल की माने कि सिंगल की माने या ट्रिपल की। तो बेटा सिंगल के साथ अगर डबल हो तो डबल की मानेंगे, डबल के साथ अगर ट्रिपल हो तो ट्रिपल की बात मानेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से करीब पड़े वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 स्टार्ट कर दिया मैंने। नाउ अब जब नंबरिंग दे दी तो मुझे कार्बन पता लग गया कितने हैं, 6 कार्बन मुझे। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, हेक्स, हेक्स लिख दिया मैंने। अब मुझे सबसे पहले किसकी बात करनी है बेटा, सबसे पहले मैं बताऊंगा डबल बॉन्ड की, किसकी बताऊंगा, डबल बॉन्ड की। अब बोलो सर ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं, तो बेटा इसका रीज़न ये है कि अगर तुम्हारी प्रायोरिटी देखते हो तुम, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है ना, जिसको सबसे लीस्ट मानते हो ना आप, उसकी बात पहले करते हो, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना उसकी बात एंड में करते हो ताकि इंसान को याद रहे। सो
ट्रिपल बॉन्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी बात सबसे एंड में करेंगे, जबकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कम इंपॉर्टेंट है, तो इसकी बात पहले करेंगे नेमिंग में। सो हैग्स डबल बॉन्ड बेटा कहाँ लगा है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन 4 पर, 4 पे जब लगा हुआ है डबल बॉन्ड तो यहाँ आ जाएगा 4, और डबल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं ईन, तो हो जाएगा हैग्स 4 ईन। अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं भाई, ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन कौन सी बेटा कम वाली लेते हैं? 2, ट्रिपल बॉन्ड 2 पे लगा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं आइन, एन इन आइन, तो यहाँ पे हो जाएगा आइन, हैग्स 4 इन 2 आइन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये कुछ कॉम्प्लेक्स थे, इससे इजी आते हैं एग्जाम में, आप टेंशन नहीं लो, मैं तमाम कॉम्प्लेक्स करा दूंगा, आप इंशाल्लाह चैंपियन हो जाओगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मेरे पास एक और एग्जाम्पल आ गई है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी साइड चेन निकाल लूँ। चलिए निकालते हैं साइड चेन, क्या CH3 निकाल दिया, कोई मसला नहीं सर, आपने निकाल दिया तो कोई मसला नहीं। अब इधर देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, तुम्हें मेन चेन देखनी है। अब जब तुम्हारे पास बड़े बड़े कंपाउंड आए ना, तो तुम्हें सबसे पहले मेन चेन देखनी है। अच्छा, मेन चेन के 3 नाम हैं, मेन चेन बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट चेन बोल सकते हो, या फिर पेरेंट चेन बोल सकते हो। अच्छा, इन सब में तुम्हें देखना क्या है, तुम्हें सबसे लंबी चेन देखनी है, जो सबसे लंबी चेन हो ना उसको पकड़ लो, उसी पे नंबरिंग करनी है। तो सबसे लंबी चेन, सबसे ज़्यादा कार्बन की क्वांटिटी किस में है, इस वाली में, ब्लू वाली में, तो इसको मैंने मेन चेन मान लिया, सो इसको बोलते हैं हम लॉन्गेस्ट चेन। जबकि उसके अलावा जो बच जाता है ना, साइड में लगे होते हैं, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो बेटा बस 6 किस्म के सब्स्टिट्यूएंट्स बता रहा हूँ मैं, इसके अलावा कुछ भी हो तो उसको मान लेना फंक्शनल ग्रुप। क्या मान लेना? फंक्शनल ग्रुप। तो यही इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में आएंगे। तो देखो पहला क्या है, CH3। बेटा सी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मिथ। तो ये वाला कंपाउंड हो गया मिथाइल, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो गया? मिथाइल। क्या हो गया? मिथाइल। अच्छा, C2H5, बेटा इसमें कार्बन कितने? 2, तो 2 के लिए इथ, तो ये हो गया इथाइल। ओके, और अगर 3 होता तो ये हो जाता प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस तरीके से होते रहता है। तो बेसिकली 2 तुमने समझ लिए। अब इसके अलावा जो 4 है ना, वो बहुत ज़्यादा ही आसान है भाई, ये आइलाइल वाले ये 2 ही थे, मिथाइल और इथाइल। इसके अलावा आपके पास बस ये आ सकता है हेलोजिन्स, क्लोरीन, क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरो, नेमिंग में लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन में ब्रोमो, फ्लोरीन में फ्लोरो, आयोडीन में आयोडो, और जबकि एक लास्ट में एक्स्ट्रा आता है NO2, अगर कहीं लगा हो ना इस जगह पर, तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रो, नाइट्रो होता है ना गाड़ी में लगाते हैं हम नाइट्रो, ये वो नाइट्रो है। सो मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, नाइट्रो, तो बस ये याद कर लो तुम, इसको लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने पास लिख लो, लिख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बहुत आसान आसान। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी मेंशन कर दी है, प्रायोरिटी क्या मेंशन की है, पहला बेटा लिखा है मैंने फंक्शनल ग्रुप। अब ये चीज़ तुम याद कर लो, तुम्हारी पूरी IUPAC सॉल्व हो गई, समझो अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, IUPAC आसान हो गई। क्यों आसान हो गई? कि ये प्रायोरिटी इंडेक्स है हमारे पास, इसके हिसाब से चलना है। सो ये बेसिकली नंबरिंग के लिए, ये जो स्टार्टिंग में लिखा ना मैंने FG, बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये बिल्कुल मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, सो दैट तो मैं फंक्शनल ग्रुप तुम अलग से समझ लो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप का भी रहने दो। ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, कहीं देखो ट्रिपल बॉन्ड ना, तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। अच्छा, आप किसी इक्वेशन में ट्रिपल बॉन्ड ना हो, डबल बॉन्ड हो, तो बेटा डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूएंट हो, तो बेटा सब्स्टिट्यूएंट से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब सर ये आपने इतनी जल्दी जल्दी क्या बताया बेटा, अभी एग्जांपल में समझ लेते हैं। लो मेरे पास एक चेन आ गई, अब इस चेन में मेन चेन क्या है, सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है, तो वो हमारे पास मेन चेन लॉन्गेस्ट चेन हो गई। सब्स्टिट्यूएंट कैसे पता लगेगा, जो साइड में लगा हो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। CH3 का हमने नाम बोल दिया था मिथाइल। ओके, नाउ अब नंबरिंग कैसे स्टार्ट करनी है बेटा, नंबरिंग हमें वहाँ से स्टार्ट करनी है। क्या डबल बॉन्ड है इधर? नहीं है, ऑप्शन कैंसिल। ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। फंक्शनल ग्रुप? सर वो तो पढ़ाया ही नहीं, तो आपने दिया भी नहीं होगा, वो भी नहीं है। तो बेटा अभी सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े। ये सब्स्टिट्यूएंट है, कहाँ से करीब पड़ा है बेटा? यहाँ से, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ बेटा, 1, 2, 3, 4, तो कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन।
अब आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करनी है? देखो आईयूपीएसी नेमिंग के लिए एक फॉर्मूला छोटा सा है। क्या फॉर्मूला है कि देखो ऐसे इंक्रीज हो रही है ना प्रायोरिटी के, फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे ज़्यादा उसकी इज्जत करो, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की इज्जत करो, फिर डबल बॉन्ड की, फिर सब्स्टिट्यूएंट की बात मानो और नंबरिंग कर दो। नेमिंग में उल्टा करना है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है ना उसको सबसे पहले नेम में लिखना, उसको सबसे पहले लिखना। अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो तो प्रायोरिटी में सबसे कम कौन, डबल बॉन्ड, तो इसको सबसे पहले लिखना, ठीक है। तो अभी यहां पर देखो ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिर्फ क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, सबसे कम तो सबसे पहले इसकी बात करूंगा मैं। तो बेटा ये इस ग्रुप को कहते हैं मिथाइल, तो मैं लिख दूंगा मिथाइल। मिथाइल की लोकेशन बताओ, कोई बंदा बोले आपके पास मिथाइल पड़ा हुआ है, बेटा किस लोकेशन पे, तो देखो दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल, तो मैं क्या बोलूंगा, टू मिथाइल। अच्छा चार कार्बन वाला है, ब्यूट लिख दिया मैंने, चार कार्बन थे ना, ब्यूट आ गया। क्या सिंगल डबल बॉन्ड है? यस सर, सिंगल सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, उसके लिए क्या यूज करते थे बेटा, एन। तो मैं लिख दूंगा एन, टू मिथाइल ब्यूटेन हो गया, ये क्या हो गया, टू मिथाइल ब्यूटेन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुत मुश्किल सा, देखो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो पास पेपर्स में आती थी और बच्चों को मुश्किल होती थी, वो तमाम एग्जाम्पल्स मैंने डाल दी, समझो। अब देखो ये एक चेन है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, तो सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ है, इधर कार्बन है। अच्छा और इसमें क्या है, देखो इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट है और एक डबल बॉन्ड है, तो अब क्या करें, ये तीन दोनों नहीं है, ये दोनों चीज़ें हैं, तो अभी किसकी बात माने, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे किसकी होगी बेटा, डबल बॉन्ड की होगी ना, इसकी ज़्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट की, कहीं ज़्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट से डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड की ज़्यादा इज्जत है, तो जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़े वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो चलो मैं नंबरिंग करता हूँ, तो यहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा था तो मैंने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5, तो पाँच कार्बन है इसमें। तो सबसे पहले बात किसकी करनी है, जिसकी प्रायोरिटी कम है, तो इसकी नेमिंग सबसे पहले करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की। तो बेटा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है मेरे पास अभी, मिथाइल, दो मिथाइल हैं, तो बेटा एक मिथाइल को हम मिथाइल कहते हैं, दो मिथाइल को डाई मिथाइल कहते हैं, एक मिथाइल को मिथाइल, दो मिथाइल को डाई मिथाइल, तो मैंने लिख दिया डाई मिथाइल। भाई कहाँ कहाँ लगा है बेटा, एक फोर पे लगा है और एक फाइव पे लगा है, तो मैं लिख देता हूँ 4.5 डाई मिथाइल, 4.5 डाई मिथाइल। अच्छा सर अगर यहाँ दोनों फोर पे लगे होते तो मैं क्या लिखता, 4 डाई मिथाइल, नहीं बेटा 4 4 डाई मिथाइल, कि फोर पे भी डाई, फोर पे भी मिथाइल लगा हुआ है और दूसरा मिथाइल भी फोर पे ही लगा हुआ है, ठीक है, जैसे मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ, वही वाला चक्कर है। सो 4.5 डाई मिथाइल। अब मेरे पास कितने कार्बन है, पांच कार्बन, तो पांच कार्बन को बोलते हैं पेंट, तो मैं लिख दूंगा पेंट। अब बात आ जाती है डबल बॉन्ड, अब तुम लिख दो यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखा तुमने पूरी चेन में, तुम लिख दो पेंटीन। तो कोई बंदा पूछ सकता है ना, भाई पेंटीन तो बोल रहे हो, इन तो आ रहा है इसमें, कहाँ डबल बॉन्ड किधर है। सो डबल बॉन्ड की लोकेशन है बेटा टू, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा टू इन पेंट, टू इन 4.5 डाई मिथाइल पेंट टू इन। तो बेटा सबसे पहले इसकी, फिर वैल्यू इसकी ज़्यादा थी तो इसको एंड में लिखा है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रायोरिटी में सब में डाल रहा हूँ ना, प्रायोरिटी को याद रखना। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक चेन है, सबसे लंबी चेन कौन, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन है मेरे पास ये वाली। तो अब इसमें देखो मैंने वैलेंसी सारी फिल की हुई है, भाई बिल्कुल सही है, यहाँ पर शायद एच आएगा, गलती हो गई सर से, कोई बात नहीं होती रहती है। अब यहाँ पे फ्लोरीन है, ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया फ्लोरीन आयोडीन, पर ये छह ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसके अलावा कोई पेपर में नहीं देगा टीचर, ओके। नाउ अब क्या करना है, तुम्हें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, अगर डबल बॉन्ड है, नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, तो बात किसकी मानूंगा, सब्स्टिट्यूएंट की, सब्स्टिट्यूएंट की मानूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से करीब पड़ेगा, इधर से, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की मैंने 1 2 3 4, चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है उसका नाम पहले लिखना है। तो बेटा किसका नाम लिखूंगा, सब्स्टिट्यूएंट का, विच इज़ फ्लोरो, फ्लोरीन को बोलते हैं ना फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो फ्लोरो। फ्लोरो की लोकेशन क्या है, फ्लोरो दूसरे कार्बन पे लगा है, तो मैं लिख दूंगा टू फ्लोरो। कितने कार्बन है, चार ब्यूट। क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसके लिए एन यूज होता है, तो मैं लिख दूंगा एन, टू फ्लोरो ब्यूटेन। देखो कितना सिंपल है, आगे इसको मस्ती करके समझो, जहाँ बोर हो जाओ सामने वाली आंटी का दरवाज़ा बजा कर आ जाओ, कोई गेम खेल लो, फिर दोबारा देख लो, ठीक है। तो अभी इधर देखो मेरे पास एक चेन आ गई, अब इसमें मैंने दो साइड चेन निकाल ली,
ब्रोमीन और क्लोरीन लगा दिया, दोनों ही सब्सिट्यूएंट हैं, हम पढ़ चुके हैं। खैर अभी ये देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। लॉन्गेस्ट चेन बेटा ये जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन। अब इधर देखो सब्सिट्यूएंट कौन सी, ये दो सब्सिट्यूएंट। अब क्या करें भाई, सब्सिट्यूएंट की माने क्योंकि इनमें से कुछ भी नहीं है तो सब्सिट्यूएंट की माननी पड़ेगी। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट कर लें या इधर से स्टार्ट कर लें? सर ये तो बड़ा मसला हो गया, दो दो सब्सिट्यूएंट और कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, चले मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ। नहीं बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इतने भी बुरे नहीं है केमिस्ट, अल्फ़ाबेट का ख्याल रखते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा ब्रोमीन का बी पहले आता है कि क्लोरीन का सी पहले आता है? ब्रोमीन का बी पहले आता है, तो बी से स्टार्ट करेंगे। तो बी से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो बी से करीब कौन सा पड़ेगा, ये वाला? नहीं बेटा, ये तो क्लोरीन करीब पड़ रहा है, तो ये तो गलत कर दी मैंने नंबरिंग। सो नंबरिंग सही क्या है, ब्रोमीन जहाँ से करीब पड़े, 1 2 3 4। सो अब यहाँ पे चार कार्बन हो गए, तो सबसे पहले बात किसी करेंगे, कुछ भी नहीं है तो सब्सिट्यूएंट की बात करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। तो मैं ब्रोमीन की नेमिंग करता हूँ ब्रोमो, कौन सी लोकेशन पे, 2 लोकेशन पे। अगला कौन सा सब्सिट्यूएंट, क्लोरो, कौन सी लोकेशन पे, 3 लोकेशन पे। और फिर अब बात करते हैं कार्बन कितने, नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 4, तो बोले ब्यूट, सिंगल बॉन्ड सारे तो एन, तो 3 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। आ रही है ना बात समझ में, कितना इजी हो गया। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। मैं आगे बढ़ता, फंक्शनल ग्रुप अब हमें कराने हैं, हमारे ये चीज़ ख़त्म हो गई अल्केन्स अल्किन की। सो अगर आपको ये पसंद आया लेक्चर तो बेटा इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आपको अंदाज़ा नहीं है, पूरा दिन लगता है, तब जाके इसके एनिमेशन ऐसा करना पड़ता है आपके लिए अच्छे से, ताकि आपको मज़ा आए। सो इसकी प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करो, मैं उसमें डालने वाला हूँ फंक्शनल ग्रुप। बस ये दो वीडियोस देखो, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और तुम्हारा IUPAC नेमिंग पक्का हो जाएगा। ओके, सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर सो डू थम्स अप एंड काइंडली सब्सक्राइब। यार सब्सक्राइब तो बनता है इसका, इतनी मेहनत की है। और बेटा शेयर करना जिनको ज़रूरत है। ओके, सो अल्लाह हाफिज़, गुड लक, बाय बाय, टाटा।